क्या आप लोग चाहते हैं कि किसी भी नंबर को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकें, या फिर कोई भी अननोन नंबर की कॉल आती है, या फिर प्राइवेट नंबर की आती है, या फिर हिडन नंबर की कोई भी कॉल आती है तो उसे आप ब्लॉक कर लें, या फिर उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लें, या फिर ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो जाए, या ऑटोमेटिकली वो कॉल रिजेक्ट हो जाए। अगर आप लोग ऐसा ही कुछ चाहते हैं करने के लिए अपने मोबाइल फोन में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली किसी भी कॉल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा टेकोड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी प्राइवेट नंबर या फिर अननोन नंबर की कॉल जो आती है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए, या फिर अगर आप उसे रिसीव करते हैं तो उसकी कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए, अगर आप ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को उठा लीजिए और वहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ड्यू कॉलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको कॉलर आईडी एंड कॉल ब्लॉक ड्यू कॉलर का ऑप्शन आपको सबसे ऊपर ही नज़र आ जाता है, तो आप इसे सिंपली इस पर ही क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग है वो तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा है। इसकी जो रेटिंग है 4.6 की रेटिंग है, और यहाँ पर इसमें आपको दिया गया है स्पैम, टेलीकॉम फ्रॉड, इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नीचे स्क्रीन शॉट में मिल जाते हैं। ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं, और इसमें कुछ आपको परमिशन देनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन को ताकि ये सही से वर्क कर सके। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर वेलकम स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखते हैं स्टारबक्स रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क, आइडेंटिटी अननोन नंबर बाय नेम और टाइप, इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ का है और किस कंपनी का है। सिंपली इसे ड्रैग करना है। स्पैम, टेलीकॉम फ्रॉड एंड यहाँ पर यूज टू डू कॉलर पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो भी नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में सेव है उसकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग होने के बाद में यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन स्कैन होकर 100% कंप्लीट हो चुका, आइडेंटिफाई हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर आपके जो नंबर है आए हुए इनकमिंग कॉल है वो यहाँ पर आपको शो कर रही हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप चाहते हैं किसी भी नंबर को ब्लॉक करना, तो यहाँ पर जो भी इनकमिंग कॉल है या फिर आउटगोइंग कॉल जो भी आपने कॉल की है या फिर आपके पास में कॉल आई है, उसमें से किसी भी नंबर को आप अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा स्टेप है, नंबर पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है और एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ब्लॉक पर क्लिक कर देना है और ये नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और अगर आप चाहते हैं अनब्लॉक करना तो इसी तरीके से इसे आप अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वापस आते हैं और सेटअप में देखते हैं कि कोई भी कॉल ऑटोमेटिकली किस तरीके से रिजेक्ट हो जाए और हमारे पास में उसकी कॉल ना आए। यहाँ पर सिंपली ऊपर आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन नज़र आता है जिसपे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ब्लॉक के कॉमन स्पैमर यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। इंटरनेशनल नंबर, अगर आप चाहते हैं कोई भी इंटरनेशनल कॉल आए आपके पास में और वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। नंबर नॉट इन कॉन्टेक्ट, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टेक्ट में कोई भी नंबर सेव नहीं है फोन नेम के साथ में या फिर किसी और आइडेंटिटी के साथ में सेव नहीं है और वो नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, तो उसे यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। हाइड नंबर, यानी कि ब्लॉक नंबर हिडन बाय यूजिंग टेलीकॉम सर्विस, अगर आप चाहते हैं कि जो टेलीकॉम की ओर से हिडन नंबर से कॉल आती है वो भी नंबर ब्लॉक हो जाए, तो सिंपली आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। और यहाँ पर एक न्यू मेथड आया है ब्लॉक मेथड का, जो कि जल्दी ही ऐड किया गया है डू कॉलर की ओर से। तो यहाँ पर रिजेक्ट ऑटोमेटिकली साइलेंट रिंग, पिकअप एंड हैंग अप साइलेंट, नो वॉइस मेल, अगर आप इसमें से कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं साइलेंट रिंग का, या फिर आप चाहते हैं कि कोई भी कॉल आए और पिकअप हो जाए एंड उसके बाद में वो डिस्कनेक्ट भी हो जाए नो वॉइस मेल में, कोई भी वॉइस मेल या फिर कोई भी कॉल ऐसी आपके पास में ना आए तो आप ये सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिजेक्ट ऑटोमेटिकली पर ही आप इसे सेट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं रिमाइंड फॉर ब्लॉक कॉल, यानी कि जो भी कॉल ब्लॉक हुई है उनकी रिमाइंड आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आपके मोबाइल फोन पे कौन कौन सी कॉल को ब्लॉक किया गया है, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए।
और उसके बाद में नीचे जो पॉप अप डायलॉग है इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे ही वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर एसएमएस रिमाइंडर है, उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे के साइड में लैंग्वेज का ऑप्शन, जहाँ पर आप जो भी भाषा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसे इनेबल कर देने, तो सिंपली आपको यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है, और इसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन होगा डू कॉलर की ओर से वो आपको मिलता रहे। सारे सेटअप करने के बाद में यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है कॉल ब्लॉक करने का। अगर आप चाहते हैं कोई भी नंबर टाइप करें और वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम कॉल हिस्ट्री से आप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि 012 या फिर 030 08 092 इस तरीके की कॉल कोई भी आती है आपके पास में तो वो नंबर पहले ही ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पर आप ये सारे सेटअप कर सकते हैं। सारे सेटअप करने के बाद में भी अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज के बाद में अगर रिकॉर्डर का ऑप्शन आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप अपने किसी भी नंबर से एक कॉल कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के नंबर पर और उसके बाद में ये ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन अगर आप चाहें तो यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर आप चाहें कि कोई भी इस रिकॉर्डिंग को ना सुन सके या फिर कोई भी इस रिकॉर्डिंग को तुम्हारे सिवा कोई और ना जान सके तो आप इसे बहुत ही आसानी से पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटी आंसर भी डाल सकते हैं ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन से। यहाँ पर आप चाहें तो ऑल कॉल कर लें या फिर कुछ कॉल को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉल का ऑप्शन भी आपके सामने नजर आ जाता है, यानी कि सम कॉल रिकॉर्डिंग। तो इस तरह बहुत ही आसानी से ये सारे सेटअप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं, जिसकी मदद से कोई भी अननोन नंबर या फिर प्राइवेट नंबर या फिर कोई भी कॉल आती है जिसका नंबर आपके मोबाइल फोन में नाम के साथ में सेव नहीं है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन अगर आप परचेज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा आपके मोबाइल फोन में, अगर आप चाहते हैं अच्छे से वर्क करे तो इस एप्लीकेशन को आप परचेज करके इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फ्री में भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको या फिर आपके फ्रेंड को कुछ भी बेनिफिट हो सकता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले।